गाइस ये देखिए स्पाइडर। तो अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ लाइफ में पहली बार, ये देखो सबसे बड़ा वाला, सबसे मोटा वाला। नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, पता होगा काफी बड़ा है। ऐसा हॉर्नेट हमारे गांव में ही पाए जाते हैं लेकिन कभी नहीं खाया मैं। सो लेट्स ट्राई गाइस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं ये तीसरा व्लॉग बना रहा हूँ सर के घर पे। एक्चुअली जो है सर के साथ मौका मिला है तो मौके पे चौका मारना जरूरी है गाइस। जीवन में जब भी आपको मौका मिलता है मौके पे चौका जरूर से मारना। एंड हम लोग जो है एक्चुअली आज का दिन में ही हम लोग मुकबांग किए थे सर के साथ हम लोग लेक में जाके। एंड उसके बाद हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए, क्योंकि हॉर्नबिल में अभी तक हम लोगों ने एंजॉय नहीं किया। तो सर से मिल के बहुत अच्छा लगा। ग्रेटेस्ट मैन एवर आई हैव एवर मेट सर जो है, इतना डाउन टू अर्थ होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। एंड बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि ये डाउन टू अर्थ है, बट इतना होगा बोल के मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतना भी तो नहीं है। नहीं नहीं सर आप हो, लेकिन ये जब से नागालैंड में आए इतना प्यार मिला है। नागालैंड के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ का जगह, यहाँ का एनवायरमेंट बेस्ट है गाइस, बेस्ट। एंड सर थैंक यू सो मच। एंड मैं थैंक्स कहना चाहूंगा दो लोगों को। सबसे पहले तो बितुल भैया, उसका वजह से हम लोग जो है क्रिस्टोफर भैया से मिले। एंड क्रिस्टोफर भैया को भी थैंक यू, उसका वजह से हम लोग केन सर से हम लोग को मिलने का मौका मिला। तो बितुल जहाँ पे भी हो लव यू, थैंक यू वेरी मच। एंड क्रिस्टोफर भैया को भी थैंक यू। बितुल के लिए कुछ मैसेज सर। चिकन चिकन वही बोलेंगे हम, चिकन खाएंगे, ढेर सारे खाएंगे, सब खा जाएंगे। क्योंकि गाइस सर जो है हमारे गांव में आ रहे हैं बहुत जल्द, सर ने प्रॉमिस किया है, तो प्रॉमिस तोड़ने नहीं देंगे हम लोग। सर हमारे घर पे आएंगे तो पूरा अपना ट्रेडिशनल चीज जो भी है सब खिलाएंगे एंड पूरा घुमाएंगे। यहाँ पे जितना प्यार मिल रहा है हमें उससे दो गुना प्यार देने का कोशिश रहेगा हमारी तरफ से। थैंक यू। जनवरी या तो फरवरी में जरूर। ओके सर ने वादा किया है गाइस, देखिए। और यहाँ पे मैम जो कि सबसे मेहनती, थैंक यू, थोड़ा बयां हाथ से हो रहा है उसके लिए सॉरी। एक्चुअली सारे मेहनत के पीछे ये एक औरत का हाथ होता है बोलता है ना, यही है। जितना भी ब्लॉग वगैरह मुकबांग बनता है कैमरा वोमेन। तो अभी यहाँ पे चाय पियेंगे गाइस, उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधा हॉर्नबिल ग्राउंड में जाएंगे। धीरे धीरे जाना। ओके सर, सेफ जर्नी। थैंक यू सर, थैंक यू। गाइस ये वाला घर जो है छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, अभी अभी रोना आ जाएगा। सर का बहुत याद आएगा पूरे फैमिली वाला का। तो थैंक यू सर इतना हॉस्पिटैलिटी के लिए। एंड अरुणाचल प्रदेश में आपका इंतजार करेंगे हम लोग जनवरी में, आप जरूर से आइएगा। हाँ। तो अभी जाना पड़ेगा गाइस, हम क्या है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल की मेरी कहानी है, जाना ही पड़ेगा। ठीक है चलते हैं। अभी पम्पम भी पूरा रेडी हो चुका है वरना रात हो जाएंगे, बहुत याद आएगा सर। लेकिन अलग अलग जी जी वही, मौका मिलने से और फिर कभी आना जी जरूर से पहले। ओके ओके, पहले आपको आना पड़ेगा अरुणाचल, छोड़ेंगे आप नहीं आपको, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है अभी चलते हैं गाइस। ओके लव यू गाइस। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग जो है केन्स ब्लॉक सर के घर से आ चुके हैं सीधा हॉर्नबिल फेस्टिवल में। एंड यहाँ पे आके जो है बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअली आधे रास्ते पे हम लोगों को जो है किसी सब्सक्राइबर ने इनविटेशन दिया था, वहाँ पे फिर से डिनर किया, वो लोग कंफर्टेबल नहीं थे इसलिए ब्लॉक में नहीं लिया। एंड वहाँ पे बहुत सारे प्यार मिला हमें, बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह मिले मंजिता के लिए, जेरी के लिए, मेरे लिए। तो सब जो है बाद में अनबॉक्सिंग करेंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश पहुँचने के बाद। तो आज एक्चुअली जो है कल मुझे एक्चुअली पीना नहीं था परसों, लेकिन पीना पड़ा तो अभी फिर से पीने के लिए आए हैं हम लोग राइस बियर, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। सो लेट्स ट्राई। वाओ जस्ट लाइक कोकोनट वाटर गाइस, बिल्कुल। एंड आज हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं भाई फिर से, ये क्या है, ये देखिए गाइस सिल्क वॉर्म, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ना। चलो ट्राई करो, कैसा है? एकदम टेस्टी, A1। चलो हम भी ट्राई करते हैं गाइस। बाप रे हार्ड है यार, बहुत हार्ड है। ये देखिए गाइस सिल्क वॉर्म बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। सो गाइस दिस इज सिल्क वॉर्म, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं। चीयर्स। बिल्कुल जो लकड़ी के अंदर में रहते हैं ना राइनो बीटल लार्वा, सेम है टेस्ट, बिल्कुल सिमिलर है। एंड दिस इज राइस बियर गाइस, चीयर्स। वाओ व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन यार, सिल्क वॉर्म विद राइस बियर, हॉर्नबिल में आने से जरूर ट्राई करना।
एंड गाइस हम लोग यहाँ पे पी रहे, एक्चुअली सबसे पहले हम लोग आए थे इसके स्टॉल पे, तो वन एंड ओनली रोविंग नगा। गाइस आप लोग अगर देखते हो जरूर से पहचानते होंगे, इतना फेमस यूट्यूबर है नागालैंड का, वन ऑफ द मोस्ट फेमस। हम लोग कल भी इनके स्टॉल पे सबसे पहले ये वाला पिए थे, तो आज भी उसके मतलब ढूंढते हुए आए हम लोग, लेकिन उसका पूरा बुक है फुल, इसलिए इन्होंने जो है यहाँ पे लाया। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ पे लाने के लिए। आप जरूर से अरुणाचल प्रदेश में आना, साथ में कोलैब करेंगे। सोच रहा है कि अरुणाचल आके रूपम के साथ कुछ कोलैबोरेशन करें और कुछ जंगल एडवेंचर हो जाए वहाँ पे। हाँ जरूर, आप लोग देखते रहना, कुछ एक्साइटिंग आ रहा है। हाँ जरूर से गाइस, आप लोग का ये बात को याद रखना गाइस, हम लोग पूरा मैं पोम पोम और हमारे रोविंग नगा जी हम लोग जो साथ में मिलके एडवेंचर करेंगे जंगल में, मजा आएगा। गाइस यहाँ पे पीते पीते जो है मुझे एक कमेंट दिखा, इतना फनी लगा, मैं हंस हंस के लोटपोट हो गया। मैंने कमेंट को पिन भी कर दिया कल के ब्लॉग में। एक्चुअली ये दारू को लेके जो कमेंट आया ना जेरिको, जो मैंने प्रॉमिस किया आप लोग देखना, अभी स्क्रीन पे भी लगा दूंगा मैं। भाई क्या ही फनी कमेंट है यार, मजा ही आ गया देख के, नेल दी एकदम, मजा ही आ गया भाई, इतना क्रिएटिव कमेंट है, मोए मोए वाला भाई, मजा आ गया। तो गाइस हम लोग जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल में थोड़ा सा हम लोगों ने राइस बियर पिया, मजा ही आ गया। तो हम लोग को कुछ ऑथेंटिक जो है नागा एथनिक फूड ट्राई करना था, तो हम लोग जा रहे हैं अभी स्पाइडर टेस्ट करने के लिए। स्पेशली हम लोग को यहाँ पे एक प्यारा सा, हम लोग एक तरह से हम लोग का फैमिली मेम्बर कहूँगा, तो यहाँ पे मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जुको वैली जब जाएंगे तो इसके साथ में जाएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह ले लिया है। और हम लोग को यहाँ पे कौन मिला है, ओए अजमेनुआ कम हियर, कम हियर, यो यो, ये देखो लड़की लेके घुमा रहा है बहुत, इतना चालू है, देखो हम लोग को छोड़ के लड़की के साथ घूम रहा है। नहीं 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 भाई, मजाक मजाक था भाई, मजाक। ये देखिए गाइस यहाँ पे, हेलो हेलो, यहाँ पे बहुत मिला होगा। हाँ ऑलरेडी आई नो हर ऑलरेडी, हम लोग मिल चुके हैं। एंड यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी हम लोग पूरा घूम रहे हैं अभी, हम लोग जा रहे हैं क्या टेस्ट करने भाई, आज इसको भी खिलाएंगे गाइस, ये नहीं खाएगा बोल रहा है, लेकिन इसको भी स्पाइडर हम लोग एक जरूर से खिलाएंगे। कहाँ जाना है भाई, इधर चलो लेट्स गो, वे टू मोरुंग्स, मोरक का रास्ता चलो। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं गाइस, एंड वहाँ पे जाके हम लोग स्पाइडर ट्राई करेंगे। ये है मेन हॉर्नबिल ग्राउंड गाइस, बाद में हम लोग वहाँ पे जाके थोड़ा डांस वांस करेंगे और गन फायरिंग वगैरह भी हम लोग करेंगे। मुझे जो है गन फायरिंग वगैरह करना था, तो अभी जाके यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग, शायद कुछ देना पड़ता, पे करना पड़ता होगा, तो हम लोग करेंगे जाके। तो अभी फिलहाल जाते हैं गाइस, हम लोग जो है स्टॉल में पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें स्पाइडर टेस्ट करना था, बट यहाँ पे बारिश हो रही है तो थोड़ा सा दिक्कतें आई, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे आग भी है, आग सेकते हुए आज हम लोग जो स्पाइडर टेस्ट करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। हेलो तो गाइस यहाँ पे वापुचे इस वाले स्टॉल पे आए हैं हम लोग, यहाँ पे जो हम लोग ट्राई करेंगे एकदम नागा ऑथेंटिक फूड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेनू, बट विद पेरिला सीट 400। तो यहाँ से हम लोग जो है ट्राई करने वाले हैं तीन चीज, तीन मेजर चीज, हॉर्नेट एंड ओक वुडवर्म गाइस, एंड हम लोग ट्राई करने वाले हैं स्पाइडर, बहुत ही मजा आने वाला है। तो आज ट्राई करेंगे नागा बिल्कुल ऑथेंटिक फूड हम लोग, क्योंकि मुझे स्पेशली ट्राई करना था स्पाइडर। मैं ब्लॉग के शुरुआत से जब से नागालैंड आया हूँ तब से मैं बोल रहा था कि मुझे स्पाइडर ट्राई करना है, तो आज फाइनली वो ड्रीम जो है कंप्लीट होने जा रहा है, आज ट्राई करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे आ सकते हुए हम सभी लोग बैठे हुए हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड हैंडसम हैंडसम गाइस लोगों के साथ। गाइस ये देखिए स्पाइडर, तो अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ लाइफ में पहली बार, ये देखो सबसे बड़ा वाला, सबसे मोटा वाला, सो लेट्स ट्राई। एक्चुअली ये हमारे गांव में, हमारे स्टेट में भी पाए जाते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये भी खाए भी जाते हैं, और काफी हार्ड लग रहा है। एक्चुअली इसको प्रोसेस किया जाता है तो इसलिए हार्ड हो चुका है, वरना ये काफी सॉफ्ट होता है। सो लेट्स ट्राई, लेट्स चीयर्स गाइस, नागा ऑथेंटिक फूड, नागालैंड में आए हैं तो ट्राई करना बनता है, आप अगर हॉर्नबिल में आते हो जरूर से ट्राई करना। चीयर्स गाइस, स्वर्ग भाई स्वर्ग, ओ भाई साहब इतना टेस्टी, इसलिए तो खाते हैं लोग। वाओ ये देखिए गाइस, इसका हाथ पाव वगैरह सब कुछ फेंक दिया गया है, अभी इसमें जो है केवल इसका बॉडी बचा हुआ है। नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स,
7 8 9 10 मजा आ गया भाई. अभी नेक्स्ट आइटम गाइस, दिस इज हॉर्नेट गाइस. दिस इज द बिग वन, द बिगेस्ट वन, शायद वर्ल्ड में लार्जेस्ट होता होगा. काफी बड़ा है. ऐसा हॉर्नेट हमारे गांव में ही पाए जाते हैं, लेकिन कभी नहीं खाया मैं. सो लेट्स ट्राई गाइस. स्पाइडर एंड हॉर्नेट गाइस, इसका दोनों का टेस्ट बिल्कुल ही सिमिलर है. नो डिफरेंस एट ऑल. ये देखिए, ये देखिए हॉर्नेट. तो अभी इसे खाते हैं हम. चीयर्स. साथ में चिल्ली, ग्रीन चिल्ली. ओके, हुअर इज द नेक्स्ट आइटम. ओके, नेक्स्ट आइटम, दिस इज ओक वुड वर्म गाइस. तो ये काफी यूनिक लग रहा है, देख सकते हैं. तो इसे भी हम ट्राई करेंगे जरूर से. लेट्स ट्राई गाइस. ये काफी गर्मा गर्म है, अभी अभी जस्ट इसे पकाया गया है गाइस. तीनों का जो टेस्ट है ना, एकदम सिमिलर, नो डिफरेंस एट ऑल. तीनों का जो टेस्ट है, तीनों का जो स्मेल है, बिल्कुल सेम टू सेम गाइस. वाओ, ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए गाइस. वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ गाइस. मजा आया. हॉर्नबिल में आया है तो टेस्ट करना बनता है गाइस. बहुत ही मजा आया, मैंने टेस्ट किया, लाइफ में याद कर पाऊंगा मैं अभी. ये मेरे लिए यादगार पल बन चुका है ये वाला. पूरा खा रहे हैं दोस्तों हम लोग, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्राई नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों. अजमेन तो स्पेशली ट्राई, तो नाम छोड़ो, सामने भी नहीं आ रहा है ये. ये सिर्फ वो देखो, ऑमलेट खा रहा है, ऑमलेट. पर हम लोग तो ट्राई तो किया, हम तो पूरा खा ही रहे गाइस. ये देखिए स्पाइडर, वाओ क्या टेक्सचर है इसका. पूरा हाथ पाव वगैरह सब फेंक दिया गया है, केवल बॉडी को मतलब इसको खाया जाता है. चीयर्स गाइस, चीयर्स अगेन. तो गाइस यहाँ पे स्टॉल का नाम आप लोग देख सकते हैं बापू चैन, इसका नंबर है 24. एंड यहाँ पे आज हम लोगों ने कहा एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज उसको बाहर में बुलाइए, स्टॉल को मुझे कुछ कहना है, स्टॉल के ओनर को. एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने खाया दोस्तों स्पाइडर, जो कि मेरा एक तरह से ड्रीम डिश था. मैं नागालैंड में आया ही था इसके लिए. मेरा दो तीन बकेट लिस्ट में थे कि मैं जुको वैली विजिट करूंगा, केन्स ब्लॉक सर से मिलूंगा और यहाँ पे स्पाइडर खाऊंगा. तो वो सपना जो है आज पूरा हुआ इन दोनों की वजह से गाइस. स्पेशली थैंक्स टू माई ब्रदर, एक्चुअली इन्होंने जो है बहुत हमारे लिए इतना हॉस्पिटैलिटी किया. एंड थैंक्स टू मैम, मैम ने जो है यहाँ पे मतलब पूरा डिश तैयार करके रखा था. हम लोगों ने खाया, स्पाइडर खाया, हॉर्नेट खाया एंड ओक वुड वर्म्स खाया. बहुत ही मज़ा आया. बहुत बहुत शुक्रिया आपको एंड आपको भी. एंड आप लोग को बता दूँ गाइस, नागालैंड में आने के बाद इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू होल नागालैंड. आप मेरा तरफ से पूरा नागालैंड को देर सारा प्यार. और पम्पम, हाँ, हमें 10 देने के लिए 10 स्टार. हाँ, वी विल गिव यू 100. यस, फ्रॉम आवर साइड वी विल गिव यू 100. थैंक यू वेरी मच आप लोग का इतना हॉस्पिटैलिटी के लिए. इस नागालैंड में आके इतना प्यार मिल रहा है, क्या है बताओ. बार बार हम लोग जाहिर नहीं कर पा रहे. एंड अभी हम लोग हॉर्नबिल ग्राउंड से पूरा यहाँ से जाएंगे दोस्तों. ये देख सकते हैं
तो हम लोग हॉर्नविल में आए, लेकिन हॉर्नविल का अभी तक वीडियो आप लोग को नहीं दिखाया। तो कल जो है सबसे पहले हम लोग मिनी स्विट्जरलैंड जाएंगे, उसके बाद फिर से हॉर्नविल फेस्टिवल अटेंड करेंगे, उसके बाद ही हम लोग दिमापुर जाएंगे। तो आप लोग चिंता मत करना, हम लोग जो है हॉर्नविल का जो वीडियोस वगैरह है वो आप लोग को जरूर से दिखाएंगे। एंड आज हम लोग भेजने वाले बहुत ही स्पेशल सब्सक्राइबर के साथ उनके घर पर, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी मैं मिला चुका हूँ, बहुत ही हम्बल डाउन टू अर्थ एंड बेस्ट दिल वाला हमें सब्सक्राइबर मिला है। क्या ही बता आप लोग को, नागालैंड आने के बाद इतने प्यार करने वाले लोग मिल रहे हैं ना, हम खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बहुत खुशी होती है गाइस ऐसे मिलने से। आई थिंक दुनिया में अब तक सबसे प्यार हमें नागालैंड में आके ही मिला है। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप है हम लोग का, जो नागालैंड का ट्रिप है पूरा बेस्ट ट्रिप मैं मानूंगा इसे लाइफ का। अभी जो है हम उस स्पेशल सब्सक्राइबर, हमें सब्सक्राइबर नहीं कहूँगा अब से ब्रदर कहूँगा, उस ब्रदर के घर पे आए हैं। एंड यहाँ आके भाई हमारे, हम तो जन्नत में आ चुके हैं। यहाँ पे क्रिसमस का डेकोरेशन गाइस, और यहाँ से भाई साहब पूरा जो है कोहिमा टाउन दिखाई देता है, कोहिमा शहर देख सकते हैं। यहाँ पे पहाड़े वहाड़े हैं, तो कल सुबह उठ के हम लोग जो है आपको व्यू दिखाएंगे, क्योंकि कल हम लोग जाएंगे कोनुमा, है ना भाई। हाँ। जन्नत में आ गए यार हम लोग, बोल नहीं पा रहा यार। हाँ, पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया जो कि नागालैंड में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। भाई मैं बार बार इतना तारीफ कर रहा हूँ, अभी कुछ लोग बोलेंगे कुछ ज्यादा ही हो गया बोलेंगे कुछ, लेकिन तारीफ करते करते कभी नहीं थकूंगा मैं नागालैंड का। भाई इतना खूबसूरत जगह है, बहुत मजा आ रहा है यार यहाँ पे। तो आज जो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे एंड कल हम लोग मिनी स्विट्जरलैंड देखने जाएंगे। तो अभी हम अपने दोस्त के घर पे आ चुके हैं दोस्तों, उनके रूम पे आ चुके हैं। भाई साहब इतना खूबसूरत घर, इतना खूबसूरत लोकेशन और रूम वगैरह देख सकते हैं हमारे लिए। भाई साहब क्या है यार जिंदगी, पिछले जन्म में क्या पुण्य किया होगा हम लोग को जो इतना प्यार मिल रहा है नागालैंड में। इतना भाई वीआईपी लेवल का रूम, वीआईपी लेवल का बेड ये देख सकते हैं, वाओ। एंड हम लोगों को भाई ऑलरेडी गर्म पानी करके रख दिया फ्रेश अप होने के लिए, हम लोगों ने फ्रेश अप हो लिया। और खाने के लिए क्या क्या ऑफर कर रहे हैं भाई पता नहीं। एंड हम लोग को जो है ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर के घर पर हम लोग जाके डिनर वगैरह किए थे ना, वहाँ पर संतरा दिया हम लोग को जबरदस्ती। ये देखिए गाइस पूरा फूल संतरा, यहाँ पे बोलता है अरुणाचल लेके जाओ भाई, कैसे लेके जाएंगे, पहुँचेंगे कि नहीं। तो वहाँ से मैं खा रहा हूँ, यहाँ पे छील के ऑलरेडी रख दिया है मैंने। तो अभी जो है वीडियो एडिटिंग वगैरह करेंगे हम लोग, मेरा दोस्त पम भी वीडियो एडिटिंग करेगा। और सुनो ना, ये जो जो मतलब ये दोस्त ने लाया यहाँ पर, उसने आज जितना भी खाया हम लोग वहाँ मेन थिंग, तो वो एक पैसा देने जबरदस्ती कब वो चुपके से पेमेंट कर दिया हम लोग को पता ही नहीं चला यार। एकदम अच्छा भी मतलब दिल से तो अच्छा लगा, बट एक कहीं ना कहीं ये फीलिंग आया कि भाई क्यों इतना क्यों बोल के ना। हम लोग जब वो लोग खाना वगैरह खाए थे ना, फिर से वो पेमेंट हम देने के लिए फिर जब गए, पता चला वो ऑलरेडी दे दिया बोल के। क्या है यार, एक बार नहीं, दो बार हुआ, तीन बार उसने किया भाई। क्या ही बताऊँ कितना प्यार, लोग नागालैंड के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं ना, जो लोग बोलते हैं वो लोग कान खोल के सुन लो, नागालैंड में एक बार आओ विजिट करो तब बोलो, बेकार में ऐसे हवाबाजी में नहीं बोलना है ना। नागालैंड के लोग जो है इतना बेस्ट है ना भाई, क्या ही बताऊँ। मैं तो अभी हर हॉर्नविल फेस्टिवल में आऊंगा हर साल, एंड नेक्स्ट ईयर ना सिल्वर जुबली होने वाला है। तो वो चलो, मैं अभी यहाँ से जाने वाला नहीं है, तो अकेला हो जाएगा। ओके ओके ओके, अभी ये घर समय बीतेगा बोलता है नागालैंड में। ओके ओके, कोई बात नहीं बाबा। तो अभी गाइस वीडियो एडिटिंग वगैरह करेंगे, यार सोना भी है हमें, एक्चुअली 12 पार हो चुके हैं, अभी 12:30 बजने वाले हैं। तो बाय बाय आज के लिए बस नहीं, कल हम लोग जो है मिनी स्विट्जरलैंड में जा रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, एंड कल मिनी स्विट्जरलैंड देखने के लिए रेडी रहिए। और अब तक पता नहीं ये ब्लॉग आते थे 200,000 सब्सक्राइबर हुए कि नहीं, और अगर 200,000 सब्सक्राइबर हुए हैं तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं हुए तो अभी सब्सक्राइब करके 200,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल मिनी स्विट्जरलैंड पे।